हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरबीआई ने खोली मोदी के झूठ की पोल। आरटीआई में कहा, राजन ने पीएमओ को दी थी एनपीए डिफॉल्टरों की सूची। देश के बैंक इस समय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके चलते वो डूबने की कगार पर आ गए हैं। मोदी सरकार को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है और अब ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भी कबूल ली है। द वायर द्वारा आरटीआई के एक जवाब में आरबीआई ने कबूला है कि फरवरी 2015 में तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री कार्यालय सहित वित्त मंत्रालय को लोन न चुकाने वाले लोन डिफॉल्टरों की सूची भेजी थी। गौरतलब है कि संसदीय समिति को लिखे गए अपने पत्र में रघुराम राजन ने कहा था कि उन्होंने पीएमओ को एनपीए के बड़े घोटालेबाजों की सूची सौंपी थी और गंभीरता पूर्वक जांच की मांग की थी, लेकिन पीएमओ से लेकर वित्त मंत्रालय ने उस पर गौर करना जरूरी नहीं समझा और उसका खामियाजा अब देश के बैंक भुगत रहे हैं। एनपीए बैंकों का वो लोन होता है जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं होती। इस कर्ज में 73% से ज्यादा हिस्सा उद्योगपतियों का है। अक्सर उद्योगपति बैंक से कर्ज लेकर खुद को दिवालिया दिखा देते हैं और उनका लोन एनपीए में बदल जाता है। यही उस लोन के साथ होता है जिसे बिना चुकाए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। सरकारी बैंकों के एनपीए में भी पिछले कुछ सालों में इसी तरह का बढ़ोतरी देखी गई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि मार्च 2018 में एनपीए 10.40 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जबकि 2013-14 में ये 2,40,000 करोड़ था। देश में लगभग 90% एनपीए सरकारी बैंकों का ही है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सामूहिक शुद्ध घाटा 2017-18 में बढ़कर 87,357 करोड़ रुपए हो गया। ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है। खुलासा, राफेल डील करते ही अंबानी की कंपनी हुई मालामाल। घाटे की रिलायंस को 284 करोड़ का फायदा। 2016 में अंबानी की इस कंपनी की कमाई बिल्कुल नहीं हुई थी, उल्टा 9 लाख का घाटा हुआ था, जबकि 2017 में 6 लाख की कमाई हुई थी लेकिन 10.35 लाख का घाटा हुआ था। ठीक वही कंपनी 2017-18 में 284.19 करोड़ कमा लेती है। कैसे? राफेल डील को एक बड़ा घोटाला बता रहे विपक्ष को अब और धार मिल गई है, क्योंकि आरोप का नया आधार मिल गया है। राफेल डील और रिलायंस से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिलायंस की डिफेंस कंपनी जो लगातार 3 साल घाटे में थी, वो अचानक मालामाल हो गई है। राफेल डील के बाद उसे 284 करोड़ का बड़ा फायदा हुआ है। दरअसल रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड यानी कि आरईडीएल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 284 करोड़ रुपए की कमाई की है। 2016 में कंपनी की कमाई बिल्कुल नहीं हुई थी और 9 लाख का घाटा हुआ था, जबकि 2017 में 6 लाख की कमाई हुई थी लेकिन 10.35 लाख का घाटा हुआ था। ठीक वही कंपनी 2017-18 में 284.19 करोड़ कमा लेती है, जिसकी बड़ी वजह रही डसॉल्ट कंपनी के साथ सहयोगी बना जाता है। सवाल उठता है कि इस घाटे की कंपनी के साथ करोड़ों की डील क्यों की गई। इसका जवाब खुद डसॉल्ट कंपनी के सीईओ एरिक ट्रिपियर द्वारा सीएनबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू के जरिए मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने रिलायंस के साथ ही डील इसलिए किया क्योंकि रिलायंस के पास एयरपोर्ट के सामने जमीन थी। अब सवाल उठता है, इस जमीन की उपलब्धता के पीछे कौन था? यानी एयरपोर्ट के सामने इतनी कीमती जमीन एक झटके में मिल जाने के पीछे किसकी सिफारिश थी? दिलचस्प बात यह है कि जुलाई 2015 में इस जमीन के लिए आवेदन किया जाता है और मोदी सरकार उन पर इतना मेहरबान होती है कि अगस्त 2015 में ही उन्हें जमीन दे दी जाती है और इसी जमीन के आधार पर 2017 में डसॉल्ट कंपनी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती है। अंबानी की कंपनी की ये उन्नति ठीक एक साल पहले की जय शाह की संपत्ति में आई बढ़ोतरी के पैटर्न पर है। तब भी एक घाटे की कंपनी की अचानक एक साल के अंदर 16,000 गुना ज्यादा कमाई हुई थी और 50,000 की कंपनी 80 करोड़ की बन गई थी। इसी तरह 2016 और 2017 में घाटे में रहने वाली अंबानी की कंपनी अचानक 2017-18 में अरबों की कमाई कर जाती है।
द वायर में छपी रोहिणी सिंह और रवि नायर की साझा रिपोर्ट में तमाम परतें खोली गई है और तमाम सवाल उठाए गए हैं। गौरतलब है कि एक साल पहले जय शाह की भी पोल रोहिणी सिंह की ही रिपोर्ट से खुली थी। आज इस रिपोर्ट के जरिए तमाम सवाल उठाए गए कि घाटे में रहने वाली एक कंपनी कैसे अचानक करोड़ों का मुनाफा हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी कैसे उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देती है और कैसे उसे ही झटके में जमीन मिल जाती है। अंबानी की कंपनी की ये कमाई इस बात की और इशारा करता है कि अमीरों के अच्छे दिन वाला मॉडल जारी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने बीजेपी को ठहराया झूठा, कहा हर समस्या के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं। बीजेपी जम्मू कश्मीर से लेकर देश की ज्यादातर समस्याओं के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती रही है। बीजेपी का दावा तो यहाँ तक है कि पाकिस्तान का प्रभाव भारतीय चुनाव में भी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर मोदी सरकार को हटाना चाहता है। बीजेपी ने छोटे से मुल्क पाकिस्तान का डर दिखाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब बीजेपी के ही एक नेता एवं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पार्टी के दावों के उलट कहा है कि राज्य की समस्याओं के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। उनका दावा है कि सूबे की समस्या रोजगार और भ्रष्टाचार है। पटना विश्वविद्यालय में न्यू इंसेंटिव इन जम्मू कश्मीर विषय पर आयोजित स्पेशल लेक्चर कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर जाने पर उन्हें वहां की समस्याओं का ज्ञान हुआ। वहां भ्रष्टाचार चरम पर है। दिल्ली से जो पैसा सूबे के लिए आता है वो विकास के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अगर पैसों का सही इस्तेमाल हुआ होता तो आज कश्मीर सोने का होता। मलिक ने कहा कि सूबे की दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। वह शाम के 6 बजे के बाद युवाओं के पास कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां के युवाओं के भटकने के पीछे की मूल वजह वहां तेजी से फैला भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। राज्यपाल ने सूबे में पनपते आतंकवाद के लिए भी बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नौकरी ना होने की वजह से हथियार उठाए हुए नौजवानों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मैंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। उमा भारती ने खाई राम मंदिर बनाने की कसम, लोग बोले गंगा सफाई वाली कसम का क्या हुआ। चुनावों के करीब आते ही राम मंदिर निर्माण को लेकर बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता है। उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर को लेकर जो माहौल बना है वो इसलिए बना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है। यूपी और केंद्र दोनों ही जगह बहुमत की सरकार है। अब दुनिया की कोई भी ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। राम मंदिर वही बनेगा जहां पर मंदिर की जमीन है। उमा भारती ने इस बात को स्वीकारते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार रामलला के भक्तों के कारण ही बनी है। रामलला के भक्तों ने जो संघर्ष किया है उसी वजह से ये सरकारें हैं। इसलिए दोनों ही सरकारों से काफी उम्मीदें हैं और ये उचित समय है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2019 नहीं बल्कि राम मंदिर निर्माण का कार्य 2018 से ही शुरू किया जाएगा। अभी साल खत्म होने में 2 महीने बचे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने जनता से जो भी वादे किए थे वो पूरे कर दिए। केंद्रीय मंत्री के वादे पूरे करने के बयान पर सोशल मीडिया पर लोग उनका जमकर मजाक बना रहे हैं। लोग उनके गंगा सफाई के उस वादे को याद कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो गंगा को साफ करने में नाकाम रही तो जल समाधि ले लेगी। बैठक में नहीं आए यूपी हरियाणा के मंत्री, पत्रकार बोले इनके लिए मंदिर मस्जिद मुद्दे जरूरी है, प्रदूषण नहीं। दिल्ली NCR में प्रदूषण के चलते पिछले एक हफ्ते और आने वाले एक हफ्ते बेहद ही खतरनाक है। आने वाले कुछ दिनों में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ने के आसार है, इसीलिए सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कदम उठा रही है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में दिल्ली समेत दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को बुलाया गया था। इस अति संवेदनशील बैठक में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के पर्यावरण मंत्रियों को बुलावा भेजा गया था, जिन्हें लगातार खराब होते वातावरण पर चिंतन करके उपयुक्त कदम उठाने थे।
लेकिन ये जानकर हैरानी के साथ साथ अफसोस भी होगा कि इतनी महत्वपूर्ण और संवेदनशील बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य का पर्यावरण मंत्री बैठक में नहीं शामिल हुआ। ये तब है जब दिल्ली NCR की लगभग 3 करोड़ जनता खराब प्रदूषण से सीधे प्रभावित हो रही है। इस स्थिति में खराब पर्यावरण से लाखों लोग गंभीर बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। मगर मंत्रियों को क्या इस बैठक से उन्हें वोट जो नहीं मिलना है? वोट मिलने होते तो मंत्री जी एक पैर पर दौड़े चले आते। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने अन्य राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के बैठक में नहीं आने से नाराजगी जताते हुए कहा कि दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों के मंत्री नहीं आए वह दूसरा मुद्दा है, हम इन राज्यों के अधिकारियों के साथ बात कर लेते हैं। बता दें कि इस बैठक के लिए दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्यों से अधिकारी भेजे गए थे। हद तो तब हो गई जब बैठक में बुलाए गए राज्यों के मुख्य सचिव तो छोड़िए पर्यावरण सचिव भी नहीं आए, तो फिर जनता के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले मंत्री जी जनता को लेकर कितना गंभीर है इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आपको बताना चाहते हैं कि जिन राज्यों के मंत्री नहीं आए उनमें से वो राज्य भी है जहां पर भाजपा की असली तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार है जो देश की रक्षा का ढिंढोरा पीटती है, यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में BJP की राष्ट्रवादी सरकार है। ऐसे समय में जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की सेहत पर बनाई है, तब मंत्रियों की ऐसी हरकत जनता के बीच नेताओं के लिए बनी आम धारणा को सच साबित करता है कि नेता किसी के नहीं होते। इस हरकत के बाद मालूम पड़ता है कि इन नेताओं में इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं। इस पर फिर एक बैठक करके विचार करना पड़ेगा। इस घटना पर पत्रकार विक्रांत यादव ने UP, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पर्यावरण मंत्री के नहीं आने पर सोशल मीडिया पर तंज करते हुए लिखा है कि मंत्रियों के लिए सबसे पहले प्राथमिकता में है कि मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और भी कई जरूरी मुद्दे हैं इनके सामने। प्रदूषण की बात करना इनके सामने बेईमानी है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।